हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बता दूं। तो गाइस, आपको मेरे चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम, आईबीयू बीएससी नर्सिंग, एमएनएस, जिपमर बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग और भी बहुत सारी टॉप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, हैंड नोट्स, ये सब मिलेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का रिजल्ट कब आएगा। सबसे मेन टॉपिक ये है क्योंकि एमएनएस, जिपमर, आईबीयू सबके रिजल्ट आ चुके हैं, एम्स का रिजल्ट रहता है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। दूसरा टॉपिक होगा कि एम्स और आईबीयू और एमएनएस इन सब के नेक्स्ट 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे, आप उनको कब फिल कर सकते हैं, उनके एग्जैक्ट डेट क्या होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जिन बच्चों ने एमएनएस, एम्स, आईबीयू, जिपमर के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे नीट के साथ, अगर उन बच्चों के इनमें लो मार्क्स आए हैं तो आगे उनको क्या करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूंगी कि मैं आपकी 2021 के लिए प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आपको मेरा चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज़, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इन एग्ज़ाम में से कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हुए हैं। गाइज़, एक और बात आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे 2021 की प्रिपरेशन के लिए नोट्स और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो किस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियोज़ चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि रिजल्ट कब आएगा दोनों एग्जामिनेशन का, एम्स पैरामेडिकल का और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। देखो गाइस, दोनों एग्जामिनेशन 21 ऑफ अगस्त को कंडक्ट हुई थी और इनकी रिजल्ट की डेट थी 27 ऑफ अगस्त। इसके अलावा अगर मैं और एग्जामिनेशन की बात करूँ तो आईबीयू के एग्जामिनेशन 11 सितंबर को कंडक्ट हुई थी और अभी परसों उसका रिजल्ट आया है। वहीं मैं बात करूं एमएनएस के एग्जामिनेशन को लेकर तो एमएनएस की एग्जामिनेशन भी 11 ऑफ सितंबर को कंडक्ट हुई थी और उसका रिजल्ट कल आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जिपमर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 ऑफ सितंबर को कंडक्ट हुआ था और उसका रिजल्ट 29 ऑफ सितंबर को आ गया था। तो गाइस, बेसिकली सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग उनका रिजल्ट आ चुका है। एम्स बीएससी पोस्ट बेसिक का रिजल्ट भी 15 डेज़ के अंदर अंदर आ गया था 2020 वाला, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाला रिजल्ट नहीं आया अब तक। तो गाइज, अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, या तो नीट के रिजल्ट से पहले ही आ जाएगा या फिर उसके 2-3 दिन बाद तक रिजल्ट श्योरली आ जाएगा। तो गाइज़, आप वेबसाइट को चेकआउट करते रहिए, जैसे ही रिजल्ट आता है मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी वीडियोज़ के थ्रू। चलिए गाइज़, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे 2021 के लिए। गाइज़, एप्लीकेशन फॉर्म्स चाहे वो एमएनएस के हों, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग के हों, या फिर वो एम्स पैरामेडिकल के हों, आईपीयू के हों, या फिर वो जिपमर के हों, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। पर गाइज़, अभी बताना थोड़ा मुश्किल है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, क्योंकि गाइज़ कोरोना की वजह से सब कुछ डिले है, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ होंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिए ताकि आपको टाइम पर पता चल जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं। तो चलिए, अभी हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका इस ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एमएनएस हो, एम्स हो, या जिपमर हो, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई। प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। गाइस, इसका रीज़न ये था कि आपको ये नहीं पता था कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और ना ही आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस टाइप से पढ़ना है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते तो आपको पता होता कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाती और एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर पाते। लेकिन यूट्यूब पे भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे इन सब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिले, आपको लेक्चर्स मिलते हों, नोट्स मिलते हों या फिर मॉक टेस्ट हो। सो इस वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया।
सो गाइस डोंट वरी, अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं, आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए और एक बार दोबारा से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन अभी भी बात वही आती है कि आप प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से करें। तो गाइस आपको मेरे चैनल पे इन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, इनके हैंड नोट्स प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी फुल सिलेबस के साथ और सीक्वेंस में। गाइस मेरे हैंड नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इन एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, क्योंकि उनमें स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आपको बस याद करना है, उसमें से कुछ भी आपको सिलेक्शन नहीं करना है। प्लस आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। तो गाइस आप लोगों को मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए फॉर 2021 प्रिपरेशन। अभी बहुत से बच्चों का डाउट ये होगा कि मैं आप लोगों तक कैसे स्टडी मटेरियल और हैंड नोट्स सेंड करूँगी, तो गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पे इनकी PDFs डालूँगी ताकि आप लोगों को इजीली वो अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि वीडियोस के थ्रू इनको सेंड करना बहुत मुश्किल होगा और वीडियोस काफ़ी फिर लंबे भी हो जाएंगे, फिर इनको कोई इंटरेस्टफुली देखेगा भी नहीं। और अगर आप ये बोलें कि अगर मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आप तक वो प्रोवाइड करूँ प्लस मैं उसको साथ साथ में टेलीग्राम पे भी सेंड करूँ, तो ये भी हो सकता है। आप कमेंट में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल अभी मैंने नहीं बनाया है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि मैं टेलीग्राम चैनल को किस नाम से बनाऊं। फॉर MNS प्रिपरेशन, एम्स, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल प्रिपरेशन, इन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे इजीली मिलेगा। गाइस 2021 की प्रिपरेशन के लिए मैं नवंबर में वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट करूँगी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आप लोग तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाएँ।